लड़का बदनाम हुआ, लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए लड़का बदनाम हुआ। हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज तो बहुत ज्यादा टच्ची टॉपिक हो गया जी, आप ट्रिगर हो सकते हैं। अगर इंडियन है तो आप कहेंगे ओ मैडम क्या कर रही हो तुम। हमारा इंडिया ना कुछ कॉपी वॉपी नहीं करता, सब कुछ खुद से बनाता है, छापा फैक्ट्री पाकिस्तान है भाई। पर इसका उल्टा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत भारी है। क्योंकि एक शख्स है, उन्होंने दावा किया है कि बॉलीवुड ने बहुत कुछ छापा है फ्रॉम पाकिस्तान, और क्रेडिट्स भी आई गेस नहीं दिए गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिल को चुभने वाली बात है। तो अपने स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आप कहें कि हमें वीडियो दिखाओ फटाफट, हमें ऊपर की बातों में कुछ नहीं रखा, चलो इस वीडियो को देखते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो जी फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। मेरा कॉन्टेंट ओरिजिनल ही है, कहीं से कॉपीड नहीं है। यहाँ से जो निकलता है वो इंस्टाग्राम फीड पे आता है, तो आपको मजे आएंगे वो वीडियोस देख करके। और अभी ना इसके टाइटल में दो गाने लिख रखे हैं, सालमा कोका कोला पिला दे। आपने नूरा फातेही को डांस करते हुए देखा ही होगा, मुझे भी बहुत पसंद है वो और उनकी कमर दोनों। और लुट गए गाना याद है ना, इमरान हाशमी जिसमें आए थे, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में, ओ खट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा किया चांदनी रात पे उठी। सॉरी फॉर माई वॉइस, सभी इसमें अच्छे गाने सुनने मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बहुत फख्र करते हैं और कहते हैं कि हमारी फिल्में और हमारे गाने पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हैं और पाकिस्तानी गाने तो हमारे आगे कुछ भी नहीं। आज ये वीडियो मैं खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं और उनको ये बताऊंगा कि जिन गानों पर आप इतना नाज करते हैं वो गाने असल में पाकिस्तान से चोरी किए गए हैं। और आज मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे बॉलीवुड ने पाकिस्तानी गानों की शायरी, सुर, धुन सब कुछ मजे से छापा और इसका क्रेडिट जरा भी पाकिस्तानी सिंगर्स को ना दिया। ऐसे हजारों गाने हैं, लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में चांदी पेश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि इसका पार्ट टू भी बना सकूं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिस गाने के बारे में बात करेंगे, अभी वो कल ही रिलीज हुआ है और ट्रेंडिंग पर है। इस गाने को बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज है और इस गाने पर मशहूर डांसर नोरा फातेह ने परफॉर्म किया है। इस गाने का नाम है जालिमा जरा कोका कोला पिला दे। जरा सुनिए फिर आगे बात करते हैं। जालिमा कोका कोला पिला दे, जालिमा कोका कोला पिला दे। अब ये गाना जिसने भी सुना होगा उसने यही सोचा होगा कि ये कोक स्टूडियो के गाने की कॉपी है जो 2016 में पाकिस्तान में रिलीज किया गया। और कोक वाले जिसे चाहे ये गाना गवा सकते हैं, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया। लेकिन आप ये बात जानकर काफी हैरान होंगे कि असल में ये गाना 1986 में नूरजहां ने मशहूर फिल्म चांद ते सुरमा के लिए गाया था। यकीन नहीं आता तो चलिए आप देख भी लें और सुन भी लें। अब तो आपको यकीन आ गया होगा। और अब जिस गाने के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, टी सीरीज ने फरवरी 2021 में इसको रिलीज किया था। इस गाने को मशहूर सिंगर जुबन नुटियाल ने गाया और इसमें मशहूर एक्टर इमरान हाशमी ने एक्ट किया। ये गाना सुपर डुपर हिट रहा और इसके मेकर इसकी कामयाबी पर बहुत फख्र करते रहे। लेकिन वो ये बात शायद भूल गए कि इस गाने को इन्होंने पाकिस्तान के मायानाज सिंगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान से चोरी किया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पहले इंडिया का वर्जन सुन लेते हैं और फिर पाकिस्तान। और नेक्स्ट है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना भी सुपर हिट रहा और जिस जिसने सुना उसका फेवरेट बन गया। इस गाने को 2017 में फिल्म मशीन के लिए बनाया गया
जब इस गाने को रिलीज किया गया तो यही कहा गया कि ये अक्षय कुमार की 1994 की फिल्म के गाने का रीमेक है। लेकिन आप सबको ये बात जानकर काफी हैरानगी होगी कि ये दोनों गाने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली की कॉपी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो सुन लें, बारी बारी आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त अलंदर मस्त 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 अलंदर मस्त मस्त कबीर कह दम दम अली अली। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के गाने इंडिया में इतने कॉपी किए गए कि इंडियन शोज में उनसे ये पूछा जाता कि आपका गाना सबसे अच्छा किसने कॉपी किया। खुले आम म्यूजिक डायरेक्टर्स ने आपका म्यूजिक कॉपी किया, बट सबसे बेस्ट कॉपी किसने किया? बेस्ट कॉपी जी बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा किया, विजू शाह ने भी बहुत अच्छा किया कॉपी, तो अनु मलिक ने भी अच्छा कॉपी किया। अगला गाना है मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई वो गाना था जिसने बॉलीवुड फिल्म्स में आइटम सॉन्ग्स का एक अलग ही लेवल बना दिया। इससे पहले आइटम सॉन्ग्स पर शदीद तनकीद की जाती थी, लेकिन मुन्नी बदनाम के बाद सब आइटम सॉन्ग्स को बहुत पसंद करने लग गए। लेकिन इस गाने के फैंस ये बात जानकर काफी मायूस होंगे कि ये गाना पाकिस्तानी कॉमेडियन उमर शरीफ की फिल्म मिस्टर चार्ली से लिया गया जो 1992 में रिलीज की गई। अगर आपको यकीन नहीं तो दोनों गाने आप खुद सुन लें। बदनाम हुआ लड़का, बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए लड़का, बदनाम हुआ। और बॉलीवुड की डिठाई देखें कि 2020 में फिर इसी तर्ज का एक और गाना रिलीज कर दिया। मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। अगला गाना है बाजरे दा सिट्टा। इस गाने को भी इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी सोनी म्यूजिक इंडिया ने जनवरी 2021 में रिलीज किया। ये गाना बहुत हिट हुआ और खुसूसन टिकटॉक पर तो हर किसी ने इस पर वीडियो बनाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गाना पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर मुसर्रत नज़ीर ने 1980 में पाकिस्तान के किसानों और काश्तकारों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गाया। जरा सुनिए। बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वे अक्का कल्ले ते मरोड़िया, बाजरे दा सिट्टा भुखरा जांदा माया वे अक्का कल्ले विच तेनू रब ने बनाया। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म मर जावा का ये गाना किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया सबको बहुत पसंद आया। ये गाना फिल्म के साथ ही 2019 में रिलीज हुआ और इसको भी जोबन नोटियाल ने गाया। सब यही समझते हैं कि ये आमिर खान की 1996 की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया से इंस्पायर हुआ है। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये दोनों गाने खान साहब के गाने की कॉपी है जो 1993 में इन्होंने गाया। जरा सुनिए। कितना सोना तन रब ने बनाया जी कर देखदार, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। अगला गाना है कदी ते हस बोलवे। 2009 में सैफ अली खान और दीपिका की फिल्म लव आजकल में ये गाना रिलीज हुआ और ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि आज भी लोग इसको बहुत दिल से सुनते हैं। और फिर इस गाने को अभी रिसेंटली आतिफ असलम ने अपने अंदाज में गाया तो सब कहने लगे कि आतिफ ने इंडियन फिल्म का गाना कॉपी किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये गाना 1980 में पाकिस्तान के मशहूर तरीन गुलुकार शौकत अली ने गाया। अगला गाना है अगर तुम मिल जाओ
जमाना छोड़ देंगे हम। 2005 में इमरान हाशमी की फिल्म जहर रिलीज हुई और उसमें ये गाना रिलीज किया गया। लेकिन ये बात जानकर आप काफी चौंक जाएंगे कि 1974 में तसव्वुर खानम ने अपनी खूबसूरत आवाज में फिल्म ईमानदार के लिए ये गाना गाया। जरा सुनिए। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। नकालों से होशियार और ये सब कुछ देखने के बाद बॉलीवुड हमें लगता है बेकार। आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देखो सुनो, ऐसे नहीं कह सकते कि बॉलीवुड बेकार है, पर हाँ ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, बहती गंगा में सभी हाथ धोना चाहते हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर इतनी बार आप गलतियां कर दोगे तो अब हम भी आपकी साइड कैसे ले पाए जी, ज्यादा है ना। मेरे को और कुछ नहीं, हंसी आ रही है। ये सब एंटरटेनमेंट होता है, जायज है कॉपी करना भी, पर यार आप क्रेडिट्स दे दो तो बेहतर रहेगा कि एटलीस्ट बता तो दो लोगों को कि हाँ हमने यहाँ से चोरी किया है, उठाया। हमारी को बाप लेवल क्रिएटिव मत समझना अभी इस सीन में। एक पॉइंट तो ऐसा आया था कुछ टाइम पहले कि सभी बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करने लग गए थे कि यार अरे तुम तो यार रीमेक पे रीमेक बनाओ, ओरिजिनल गाने तो तुम भूल जाओ, अभी नहीं निकाल पा रहे हो जी ओरिजिनल आप। थैंक गॉड, आई रियली थैंक गॉड कि वो रीमेक वाला टाइम तो चला गया, अच्छे अच्छे गाने उसके बाद काफी सारे आए हैं। पर हाँ, आई कैन नॉट डिसएग्री, इतने सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स के कॉपी कराया बॉलीवुड ने। आई होप दिस डज नॉट हैपन इन फ्यूचर। पर यार ओरिजिनल गाने ना ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी मैंने ये जो सारे गाने इसमें सुने ना, इनके ओरिजिनल वर्जन अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हुए तो वो निकाल के सुनूंगी, क्योंकि उसके अंदर एक असलीपन होता है, एक नकलीपन या चोरी नहीं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दिस इज इंडियन गर्ल निधि शर्मा। इसके चैनल का नाम है किलाया रिएक्ट। इसका मीनिंग होता है सुंदर लड़की का रिएक्शन। था ओरिजिन है इस वर्ड का, और मैं पता नहीं क्यों अपने चैनल का नाम एक्सप्लेन करने लग गई आज। फ्लो फ्लो में हो जाता है यार कभी कभी, पर आप लोग पूछते भी हो काफी बार, तो चलो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज। इंस्टाग्राम पे मिल लो और डाउट्स क्लियर करने हैं तो, कि मैं हूँ कौन, कहाँ से हूँ, सब इंस्टाग्राम पे सब अपडेटेड रखते हैं अपन, रोज बातचीत करते हैं उधर। ऐसे वीडियोज के साथ मुझे ना आना पड़े फ्यूचर में, क्योंकि यार बुरा लगता है बॉलीवुड। अब दिल का कनेक्शन तो होता ही है ना, बचपन से बॉलीवुड देखा है तो, पर यार अब मैं कोई टिप्पणी नहीं करने वाली। ठीक है भैया, हो गया जो हो गया, फ्यूचर में ना हो इसकी भी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शब कैशो बरातरी। बाय।